की टी बफेलो सॉस जो है ना वो यूज की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर से आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जी आया करता हूँ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फास्ट फूड का एक बहुत ही कमाल का पॉइंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम मौजूद हैं पिज्जा प्रेस पे, पिज्जा प्रेस जस्ट ईट का लोगो लिए हुए है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप सिर्फ खाएं। तो अभी जो है हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं बहुत ही उम्दा किस्म का फास्ट फूड। सबसे पहले इनकी लोकेशन जो आपको देख लें, ये वाला जो है ना नए अड्डे की तरफ रोड जाती है, मेन रोड है ये, चाय एंड ग्रिल की तरफ जाती है। तो ये दरमियान में जंक्शन है, तो यहाँ पर ये मौजूद है। बेसिकली ये केएलपी रोड है, ये वाली ना, ये केएलपी रोड है और आपको यही मिलेगा पिज्जा प्रेस। बात की जाए इनके एमबीएस की, तो स्टार्ट में आपको मिलेगा बहुत ही हैवी किस्म का एमबीएस माशाल्लाह से। इन्होंने जो है ना वो काफी वेल डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही कमाल का है माशाल्लाह से। आप ये चेक करें तो ये काफी जो है ना वो आपको एक अच्छा और लैविश किस्म का जो है ना एमबीएस मिलेगा। यहाँ पर जो है ना वो कस्टमर जाते हैं, फूड बैठ कर ना इंजॉय करते हैं। बड़ी एक ना सोबर सी सीटिंग है इनकी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। टेलीग्राफी का भी काम हुआ हुआ है। हम बेसिकली आपको लाइव किचन की कुकिंग दिखाते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर लाइव किचन। लाइव किचन में क्या क्या हो रहा है आपके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। हमें मिल गया स्टार्ट में हनी विंग्स। आप ये चेक करें माशाल्लाह से कितने कलरफुल हैं, कितने ज़बरदस्त हैं और कितने कमाल की लुक दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना इम्पोर्टेड केचप यूज़ की जा रही है, या इम्पोर्टेड इसमें जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि पिज्जा प्रेस के फूड को यूनिक बनाती हैं। आप इसके लुक चेक कर सकते हैं, आला डिप की बफेलो सॉस जो है ना वो यूज की जा रही है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। वाह, अच्छा इसको शेक करेंगे अच्छे तरीके से, और शेक करने के बाद इसको जो है ना वो अब ये चेक करें। अब ये जो है ना वो हनी विंग्स में रेडी हो गए। हनी विंग्स इज रेडी, आला। शादी का बाद में पिज्जा दिखाने वाले शायद पहले शख्स हैं जो कि लाइव पिज्जा दिखाते हैं आपको। आज आप पिज्जा प्रेस का पिज्जा देखेंगे फजीता चिकन के साथ, चिकन बारबेक्यू के सॉस के साथ। आप ये चेक करें, सेम प्रोसेस हैं, सेम चीजें हैं, सेम डोज है, लेकिन टेस्ट का डिफरेंस है क्योंकि इनकी रेसिपीज डिफरेंट है। आप ये चेक करें, भाईजान जो है ना वो शॉर्टेज किया हुआ चिकन लगा रहे हैं। यार ये चेक करें, हैवी हो गया आला। बात की जाए चीज की, जिसके बगैर पिज्जा अधूरा है। आप ये चेक करें, बहुत ही लेविश किस्म की जो है ना वो चीज को ऐड किया जा रहा है माशाल्लाह से। जब भी आप बाइट उठाएं तो चीजी बाइट आपके जो है ना वो दीवाना कर दे पिज्जा प्रेस के लिए। वाओ, ये जो है ना वो कन्वेयर बेल्ट पे चला गया। अभी जो है ना कन्वेयर बेल्ट का सेम प्रोसेस है, वही 5 मिनट की टाइमिंग है, उसमें जो पिज्जा रेडी होता है आपका माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का। आप ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना वो फ्लेक बनाए जा रहे हैं, ये विंग्स हैं, विंग्स जो है ना उनके क्रम्स के लिए बहुत ही हैवी किस्म की मेहनत की जा रही है और उनको जो है ऐड किया जा रहा है वाटर में, और यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का यह फ्लेक रेडी हो रहा है। ये चेक करें, ओए आला, बहुत आला। इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। भाई जाने ने पानी से डिप करके निकाल के दोबारा ऐड कर दिए। अच्छा इसको ना बड़े तरीके से जो है ना वो रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने इसको ऑयल में ऐड कर देना, बड़े इजी होकर रखना है ताकि इसके जो क्रम्स जो है वो बरकरार रहे और एज इट इज मिले कस्टमर्स को ना। ये गया जी फ्राई होने के लिए, बहुत आला मौजूद है यहाँ पे। आप ये चेक करें कितने कमाल के तगड़े से मौजूद है। ऑयल डिफरेंट है, वो जो है ना फ्लेम वगैरह के लिए है, क्रम वगैरह के लिए बनाने के लिए है, और ये जो है ना ऑयल आपको मिलेगा नगेट्स के लिए और लाइट फूड फ्राई करने के लिए। यहाँ पर वंस अगेन दो लार्ज पिज्जे जो है ना वो लगाए जा रहे हैं। आप ये चेक करें, हमेशा की तरह बहुत ही आला किस्म का चिकन ऐड करके। रोल बनाने के लिए पहले तो आपको जो है ना वो रोल के लिए रोल चाहिए, के लिए उसके ब्रेड चाहिए होगी, उसके बाद जो है ना वो आपको चाहिए होगा फ्ले। ये चेक करें आप कितनी अखीर किस्म की लुक दे रहा है। सबसे पहले जो है ना वो सॉस डाली जाएगी आपकी ब्रेड के ऊपर, चाहे वो
शवारमा वाली है या दूसरी है, लेकिन ये बेसिकली फिश रोल की है। ये चेक करें, ओए होए होए होए, आला, बहुत आला। ले जी, असल में ना ये यहाँ पे सारी कहानी जो है ना वो इनके पीस की फ्ले की है। अगर इनका फ्ले अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो आपका जो है ना वो ये वाला रोल बहुत ही अच्छा है फिश वाला। तो ऑर्डर इज रेडी फॉर टेक अवे पिज्जा की। तो कबाब क्रिस्प पिज्जा जो है ना वो रेडी हो गया, आ चुका है माशाल्लाह से। आप इसकी लुक चेक करें भाईजान, जो है ना इसको काटते हुए किसी चीज का लिहाज नहीं कर रहे, माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें, मलाई आहा उम्दा। ऑर्डर इज रेडी फॉर टेक अवे। बात की जाए फ्राइज की, तो फ्राइज को भी जो है ना फ्राई किया जा रहा है। यहाँ पर आप चेक करें, ब्रांडेड फ्राइज यूज करते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। लज़ानिया, लज़ानिया रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसी जस्ट कलर और लुक चेक करें, वाओ आउटस्टैंडिंग है यार। ओए होए 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 भाई, अखीर हो गई। ये रेसिपी इनकी कमाल की है, वेरी सीरियसली। ये देखें जी पिज्जा एक और रेडी होकर बाहर आ रहा है। आप ये चेक करें, इसकी लुक चेक करें, टिक्का टिक्का फ्लेवर जो है ना बाहर आ रहा है। ओह माय गॉड, ये देखें जी बहुत उम्दा, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ले जी विंग्स रेडी हो चुकी है क्योंकि वहां पे अलार्म बजा है। और ये चेक करें इनका कलर चेक करें, अभी जो है ना वो बेहतरीन किस्म के विंग्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये चेक करें, जस्ट लुक ऑन दैट, ओए होए 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 होए, लाइक दे कट द पीसेस इनटू चंक्स। अभी क्यों रैप जो है ना रेडी करने की बारी आई जाती है। ये चेक करें, पहले तो उन्होंने सॉस लगा लिया ऊपर, उसके बाद जो है ना वो वेजिटेबल्स एड कर रहे हैं। उसमें आपको हर किस्म की वेजिटेबल मिलेगी क्योंकि ये बेसिकली सब्वे वाला टाइप जैसे मुझे लग रहा है, थोड़ी फ्राइज भी उन्होंने ऐड की है। और ये वाला चिकन जब इसमें ऐड होगा, नाइस, वेरी नाइस। सॉसेज में ये बाबी की सॉस जो है ना वो टॉप पे रहेगी, आप ये चेक करें, आला। ओए होए 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 होए, ओह माय गॉड, ऑर्डर इज रेडी फॉर चेक हुए। आज के व्लॉग में आप काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें जो है ना वो बनके हुए आ रही हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो सुपर डुपर बर्गर लगाया जा रहा है, उसके लिए भाईजान ने जो है ना वो ब्रेड को थोड़ा सेक लिया, जिसे कहते हैं थोड़ा सॉटे कर लिया। माशाल्लाह से आप ये चेक करिए दीवार के साथ कितने ज्यादा ऑर्डर्स जो है ना वो चश्मा किए हुए हैं। ऑर्डर्स जो है ना वो हैवी किस्म के यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको छोटा सा कबाब प्लस वाला पिज्जा भी मिलता है। वाह यार, इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है ना, माशाल्लाह, आला, नाइस। ये मुझे कोई डील लग रही है बेसिकली ना, कॉम्बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा नस, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? तकरीबन डेढ़ साल हो गया है। डेढ़ साल से आप जो है ना इस फास्ट फूड की चेन पे आ रहे हैं, कैसा टेस्ट है इनका? बहुत अच्छा है टेस्ट, इसलिए यहाँ हर बार यहीं पे रहते हैं। आपको पता है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर चायन ग्रिल है, तो सात का बाद चायन ग्रिल के जो है ना वो तस्वीर करता है। तो आप जो है ना वो क्या बात है इस टेस्ट में, क्या चीज़ है जो आप इसी इधर का नाम ले रहे हैं? बस इधर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और चायन ग्रिल का बैठने का थोड़ा सा माहौल अच्छा है। हमने तो खाना खाने के लिए आना होता है, इसलिए हम पिज्जा प्रेस में आते हैं। मतलब आप टेस्ट कॉन्शियस है ना, कि जो ना एमबीएस कॉन्शियस हो, ऐसे ही? जी जी। अच्छा, फूड में इनका बेस्ट से बेस्ट क्या चीज़ है? कोई पिज्जा अच्छा है, इनके बर्गर अच्छे हैं, इनके फ्राई जो है ना चिकन ब्रोस्ट वगैरह अच्छा है? वैसे तो इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका जिंगर बर्गर और पिज्जा बहुत अच्छा है।